वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 5 गुड हैबिट्स उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक एंड टिक द राइट थिंग यू यूज टू कीप योरसेल्फ क्लीन वो दोनों क्वेश्चन किए थे उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी पेन बुक में भी लिखना था तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको आपकी
hands. We should wash our hands. We soap and water. हमें अपने हैंड्स को किससे वॉश करना है? अपने हैंड्स को सोप और पानी से वॉश करना चाहिए. We should wash our hands with soap and water. अपने हैंड्स को सोप से एंड वॉटर से क्लीन यानी कि वॉश करना चाहिए. तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वॉटर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम एनी वन थिंग दैट वी शुड डू डेली टू कीप आवर बॉडी क्लीन. ये हम ऐसा एक किसी एक का नेम लिखना है जिसके हम अपनी बॉडी जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं. तो ये टी लिखना है इसलिए हम लिखेंगे टेक बाथ. करते तो हम बहुत कुछ है लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसी एक के बारे में नेम लिखना है कि ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारी बॉडी क्लीन रहती है. तो आंसर है टेक बाथ. नेम एनी वन थिंग दैट वी शुड डू डेली टू कीप अवर बॉडी क्लीन. कि हम किसी एक का नेम लिखना है ऐसा हम क्या करते हैं जिससे हम हर रोज करते हैं और हमारी बॉडी क्लीन रहती है. तो आंसर इज टेक बाथ. क्वेश्चन इज नेम एनी वन थिंग दैट वी शुड डू डेली टू कीप अवर बॉडी क्लीन. क्वेश्चन क्या है? नेम एनी वन थिंग दैट वी शुड डू डेली टू कीप अवर बॉडी क्लीन. आंसर इज टेक बाथ. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. मतलब टॉयलेट का यूज करने के बाद हमें क्या करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. टॉयलेट का यूज करने के बाद हमें क्या करना चाहिए. वी शुड वॉश अवर हैंड्स विथ सोप एंड वॉटर. हमें हमारे हैंड्स को पानी से और सोप से क्लीन वॉश करना चाहिए. क्या करना चाहिए? वी शुड वॉश अवर हैंड्स विथ सोप एंड वॉटर. अपने हैंड्स को पानी वॉटर से और सोप से वॉश करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू आफ्टर using the toilet. So we should wash our hands with soap and water. क्या करना चाहिए टॉयलेट का यूज करने के बाद हमें अपने हैंड्स को. We should wash our hands with soap and water. तो एक क्वेश्चन आंसर आपको EVS की फिल्म में लिखना है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर वन लिखना है. Choose the correct answer and fill in the blank. और इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो क्वेश्चन नंबर टू है वो सिर्फ आपको टर्म बुक में ही करना है. तो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम एनी वन थिंग दैट वी शुड डू डेली टू कीप अवर बॉडी क्लीन. ये हम लोग क्या ऐसा करते हैं हर रोज किसी एक का नेम लिखना है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं. तो आंसर है टेक बाथ. नेम एनी वन थिंग दैट वी शुड डू
Others और दोनों में से कौन सा राइट आंसर है, पोलाइटली और रूडली। तो राइट
When should we say? When should we say good morning? कि हमें कब गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए? When should we say good morning? गुड मॉर्निंग कब बोलना चाहिए? कब बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग? तो उसका आंसर क्या है? कि सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स से और जब भी हमें अपने टीचर मिलते हैं, हमसे बड़े लोग मिलते हैं, तो उसे हमें गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। कब कहना है? तो वी शुड से We should say good morning to our parents we wake up कि हमें कब गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए तो वी शुड से गुड मॉर्निंग टू आवर पेरेंट्स वी वेक अप एंड टू आवर टीचर्स एंड अदर एल्डर्स व्हेन वी सी देम इन द मॉर्निंग मतलब हमें सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स से गुड मॉर्निंग कहना है फिर अपने टीचर्स को एंड अपने जो हमसे जो बड़े हैं उसे हम जब भी देखते हैं तब हमें उनको गुड मॉर्निंग कहना है तो क्वेश्चन क्या है व्हेन शुड वी से गुड मॉर्निंग कब हमें गुड मॉर्निंग कहना है तो वी शुड से गुड मॉर्निंग टू आवर पेरेंट्स वी वेक अप एंड टू आवर टीचर सुबह उठते ही अपने And jump.
वो फाइव क्वेश्चन आंसर आपको आपकी फेस
होंगी से क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा एक्सरसाइज का और उसी बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखने हैं क्वेश्चन आंसर जो 5 हमने आज किए वो क्वेश्चन आंसर आपको उसी ईडीएफ की फाइल बुक में लिखना है ओके okay?